नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैक्स ऑफ इन सस्पेंशन के बारे में, मतलब कि फैक्स ऑफ इन सिरप के बारे में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये सिरप किस काम में आता है, इसका पूरा साल्ट क्या होता है, इसकी कंपनी कौन सी है और इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें भी बता सकते हैं। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएँ दोस्तों, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज इस सिरप की, जिसका नाम है फैक्स ऑफ इन सिरप। दोस्तों ये फैक्स ऑफ इन सिरप है, इसके अंदर ऐसा सिरप निकलता है, 60 ml का सिरप है दोस्तों ये। इसके अंदर साल्ट होता है फैक्स ऑफ इन अडिन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सस्पेंशन। दोस्तों इसकी MRP होती है 170 रुपये। दोस्तों 170 रुपये इसकी MRP है, उसकी एक्सपायरी है 5/2023। दोस्तों 5/2023 जिसकी एक्सपायरी है, मतलब कि ये 5/2023 तक चलेगा और 6/2021 में ये बना हुआ है। बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो ये एनटेक्स फार्मा फैक्ट्री लिमिटेड का बना हुआ है और इसकी कंपनी मतलब बना हुआ इसका है और इसकी एल्डर भी जो इसकी पार्टनर कंपनी है वो एल्डर है, एल्डर वेलनेस। एल्डर काफ़ी फेमस कंपनी है दोस्तों, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है 10 ईयर से ये काफ़ी अच्छा चल रही है और 10 ईयर से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अच्छी सेल हो रही है इसकी। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंपोजिशन की, कितनी मात्रा में कौन सा साल्ट इसके अंदर आता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऊपर, इसके अंदर फैक्स ऑफ इन अडिन हाइड्रोक्लोराइड आता है 30 mg, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं इसके काम की, तो ये दोस्तों बच्चों के खुजली, इन्फेक्शन, बच्चों के फोड़ा, फुंसी और बहुत से बच्चों के अगर दवाई का रिएक्शन हो जाता है तो उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए ये साल्ट दिया जाता है। दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों ये एंटी एलर्जिक साल्ट है और इसमें ये साल्ट फैक्स ऑफ इन अडिन बच्चों का सिरप है ये, इसका बड़ों के लिए टैबलेट भी आता है। जो इसकी सबसे फेमस टैबलेट आती है वो आती है एलिग्रा। एलिग्रा जो टैबलेट है वो इस साल्ट की सबसे फेमस टैबलेट है और वो आपको हर स्टोर पर मिल जाती है, तो ये एलिग्रा का ही साल्ट है। बस इतना है कि एलिग्रा बहुत फेमस है और दूसरा ये दूसरी कंपनी का है, मतलब हर कंपनी अपनी अलग अलग दवाइयाँ बनाती है और किसी कंपनी की कोई भी दवा फेमस हो जाती है, तो ये दूसरी कंपनी का है, एल्डर कंपनी का है। और बात करते हैं इसकी डोज की, तो डोज दोस्तों चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करती है कि चिकित्सक देखते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी है, बच्चे की प्रॉब्लम कितनी है, बच्चे का वज़न कितना है, उस हिसाब से वो बताते हैं। एवरेज जैसे कि कोई बच्चा 5 साल का है तो उसको 5 ml चिकित्सक बता देते हैं, और अगर हल्की प्रॉब्लम है तो 1 बार और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 ml 2 बार 5 साल के हिसाब से। और दोस्तों बाकी एग्जैक्ट जो डोज है वो तो चिकित्सक देख कर ही बताते हैं। और ये छोटे बच्चों को नहीं दी जाती, 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जाती, जो 1 साल से ऊपर के बच्चों को ही दी जाती है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल भी चिकित्सक की देख रेख में ही होता है कि चिकित्सक देखते हैं, जो बच्चों के चिकित्सक होते हैं बाल रोग विशेषज्ञ, उन्हें DCH भी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल चिकित्सक की देख रेख में करें। बाकी हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि अगर आपके घर में ये सिरप रखा हुआ है, आप खोज रहे हैं YouTube पर कि ये सिरप किस काम में आता है, तो आपको पता चल जाए कि ये सिरप बच्चों की खुजली, इन्फेक्शन हुआ होगा तब आपको मिली होगी, वही बच रही होगी, तो ये खुजली इन्फेक्शन की सिरप है। या अभी आप चिकित्सक के यहाँ सर दवा लेकर आए हैं और आपको कई सारी सिरप दिए हैं और आप भूल गए कि ये किस काम में है, तो आपको पता चल जाए दोस्तों कि ये खुजली, इन्फेक्शन या फोड़ा फुंसी के लिए या रिएक्शन रोकने के लिए दवा दी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिरप बच्चों के लिए है, एंटी एलर्जिक सिरप है और हम आपको बता चुके हैं कि ये एंटी एलर्जिक सिरप है।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।